हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है और आज ये मेरी MPP के ऊपर 5वीं वीडियो है, जिसमें कि आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जो जीरो यूनिट के बिल आते हैं और उसके अलावा जो अंकलित बिल आते हैं उसके ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जब भी कभी ऐसा हो कि आपके पास जीरो यूनिट का बिल आए या जैसे कि 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये का बिल आए, ये समझ लो एक खतरे की घंटी है। इसमें कि होता क्या है, आपको यूनिट बिल्कुल भी नहीं आती है, जीरो यूनिट का बिल आता है या तो इसके अंदर 10, 20, 30 होती है या अंकलित रीडिंग लिखी हुई रहती है। अंकलित रीडिंग का मतलब ये होता है कि आपके इसमें से ये रीडिंग किसी रीडर ने नहीं ली गई है, ये उनके या तो ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटर देता है या जो भी इनका सिस्टम रहता है जिसमें मतलब रीडिंग ली नहीं गई होती है, ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ले लेती है, या इसमें ऐसा होता है कि जीरो रीडिंग ली हुई होती है और इसमें सिर्फ सर्विस चार्ज, नॉर्मल सा जो बेसिक चार्जेस रहते हैं इनके, वो लगा हुआ रहता है। इसमें आपको एक बात बताता हूँ कि सबसे ऊपर एक चार्ज लगा हुआ होता है बिल के अंदर, जिसको बोलते हैं मीटर वॉच एंड रीडिंग शुल्क, जो कि 10 रुपये का लगा होता है। ये 10 रुपये, ये एक तरह से MPP की ये भी आपको एक ऐसा चार्ज है जो ये किसी बंदे के थ्रू रीडिंग ले रही है या नहीं ले रही, लेकिन इससे आपका चार्ज ले रही है 10 रुपये, जो वॉच एंड रीडिंग शुल्क, जो मतलब मीटर रीडर जो आता है रीडिंग लेने का, ये उसका 10 रुपये शुल्क लगाती है। अब ये लेती है कि नहीं ये पता नहीं। जितने भी ये जीरो रीडिंग वाले आते हैं या अंकलित आते हैं, इसके अंदर मीटर रीडर का कोई रोल नहीं रहता है, या तो आप क्या आया ही नहीं है या ऐसे ही अपनी मर्जी से उसने कुछ भी रीडिंग चढ़ा दी है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे अंकलित यूनिट अंक है ना, या फिर जो ये जीरो रीडिंग वाले जो बिल आते हैं, इसमें बहुत से लोग खुश हो जाते हैं कि इस बार हमें 100 ही रुपये का बिल आया, 150 रुपये का बिल आया, 200 रुपये का बिल आया, लेकिन एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि होता क्या है कि MPP कभी भी आपके यहाँ भैया मिनिमम आपकी 100, 150 जो रीडिंग जलती है उसका बिल तो आपको देगी है किसी भी कंडीशन में, लेकिन क्या होता है कि उस महीने जीरो रीडिंग आने की वजह से रीडिंग का कोई शुल्क नहीं रहता, बस जो नॉर्मल से बेसिक चार्जेस रहते हैं वही लगे हुए रहते हैं। लेकिन नेक्स्ट मंथ जब क्या होता है, आपकी रीडिंग जो पिछले महीने की और अगले महीने की जुड़ती है, तो उसमें होता यह है कि MPP का जो टैरिफ होता है उसमें 100 से 150 यूनिट का अलग चार्ज रहता है, 150 से 200, 250 के बीच में थोड़ा सा शुल्क बढ़ जाता है और 250, 300 के ऊपर इसका शुल्क और बढ़ जाता है, और जैसे जैसे आपकी रीडिंग की खपत बढ़ती जाती है वैसे वैसे शुल्क बढ़ता जाता है। बहुत से लोग इस बारे में जानते नहीं हैं, वो अपने मोबाइल के रिचार्ज और पोस्टपेड बिल के प्लान के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन MPP का भी ऐसा ही होता है। लेकिन बाकी चीज़ों में आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हो उतना ज़्यादा आपको कम चार्ज देना होता है, लेकिन इसके ऊपर MPP के ऊपर बिल्कुल उल्टा है, आप जितनी रीडिंग जलाएंगे आपको उतना ज़्यादा चार्ज देना है। तो इससे हुआ क्या, जैसे कि आपने एक महीने आपको अंकलित बिल दिया या फिर जीरो रीडिंग का बिल दिया, जिसमें कि आपको नॉमिनल सा चार्जेस 100, 125, 150 रुपये के समथिंग आएगा, जो कि नेक्स्ट मंथ आपकी डबल ट्रिपल यूनिट होगी, तो ये मान करके चलिएगा कि आपको 4 से 5 हज़ार रुपये का मिनिमम बिल आएगा। तो आप ऐसा कभी भी मत सोचिए, जब भी अपना जीरो रीडिंग का बिल आता है तो ये समझ लीजिए कि अगले महीने आपको लंबा छोड़ा बिल मिलने वाला है। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल जागरूक रहिए। MPP के पास आपको ठगने के बहुत तरीके हैं, जिसमें कि मैंने आपको जैसा बताया कि जो ये 10 रुपये जो मीटर वॉच एंड रीडिंग शुल्क रहता है, साल भर में आप 120 रुपये उस चीज़ के लिए देते हैं जिस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि इनके बंदे आपके घर से रीडिंग लेके जाते हैं या नहीं। 12 महीने में से लगभग आपको 2-4 महीने में ऐसे बिल, अंकलित बिल या जीरो रीडिंग के बिल मिल जाएंगे, जिसमें कि इनका बंदा रीडिंग लेता ही नहीं है, लेकिन अब MPP इसमें अपने से 10 रुपये चार्ज लेती है साल भर के 120 रुपये। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रख लें और इस चीज़ के लिए बिल्कुल जागरूक हो जाइए। MPP के पास आपके आपको ठगने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे मेन बात, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि MPP अगर गलत भी होगी तो भी इसमें गलती आप ही की मानी जाएगी, मतलब कुछ भी हो, अगर आप सही भी बोल रहे हैं तो भी आप गलत हैं। MPP का रूल ही यही है कि आप कितने भी सही हो, आप कितने भी इनके बंदे, इनके एम्प्लॉय कितने भी मतलब लेज़ी हो, अपने काम ना करने वाले हो, अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं भी कर रहे हैं तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना है किसी भी कंडीशन में, आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए इस चीज़ के लिए थोड़ा सा जागरूक रहिए और इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। जितने भी कम रीडिंग के बिल आते हैं या जो अंकलित रीडिंग के आते हैं, इस पर बिल्कुल आप ध्यान रखिए, क्योंकि जिस भी महीने आपको ऐसा बिल आएगा 101% आपको उसके अगले महीने डबल ट्रिपल आपको जो है बिल पे करना होगा। ये खतरे की घंटी है, इस पर ध्यान रखिएगा। ऐसे और बहुत सारे बिल हैं, बहुत सारे ऐसे सैंपल हैं
बिलों के, जिनको ऐसे अंकलित या छोटे अमाउंट का बिल आया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट्स है, जो भी क्वेश्चन है, या जो भी मेरे लिए आपके फीडबैक है, वो प्लीज़ कमेंट में मुझे दीजिएगा। क्यों ऐसे ही मैं आपके और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे और आपको आगे और MPEB से रिलेटेड में बहुत सारे आपको ऐसे और वीडियो बताऊंगा, जिसमें आपको मैं इस MPEB के लिए जागरूक करूंगा कि ये किस तरह से लोगों को ठगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।